फाइंड द एरिया बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द कर्व वाई इज इक्वल टू अंडर रूट टू ए एक्स माइनस एक्स स्यर अब ये फंक्शन है इसका हमने एरिया फाइंड करना है इसके मुताबिक एक्स एक्सिस पे कर्व ये जो कर्व है ग्राफ की मतलब जो कर्व है वो एक्स 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 के अलॉन्ग है तो उस कर्व के दरमियान का हमने एरिया फाइन करना है ये फंक्शन दिया हुआ है इसके मुताबिक तो वाई इज इक्वल टू अंडर उ एक्स माइनस एक्स केयर अब वाई की जगह पे ज़ीरो फुट करेंगे तब हम इससे इंटरसेप्टिंग पॉइंट निकाल सकेंगे ताकि हमें पता पता तो चले कि कहाँ से वो जो कर्व है मतलब कर्व का एरिया कितना है उसमें हम एरिया तभी फाइंड कर सकेंगे अगर उसकी लिमिट हमें पता होगी तो y की जगह पे ज़ीरो पुट किया अंडर एक्स माइनस एक्स स्केयर अब ये अंडर रूट दूसरी साइड पे चला गया या मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय स्केयर स्केयर को मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट कैंसल हो गया जीरो को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ज़ीरो ज़ीरो ही रहता है इसमें इन दोनों में से हम एक्स कॉमन ले सकते हैं एक्स कॉमन लिया टू ए माइनस एक्स अब एक्स इज इक्वल टू जीरो और एक्स इज इक्वल टू टू ए माइनस एक्स इज टू ज़ीरो तो टू एज टू एक्स एक एक्स है इस एक्स की वैल्यू आ गई ज़ीरो और इस एक्स की वैल्यू आ गई टू ए अब ज़ीरो ज़ीरो टू टू ए तक इसकी लिमिट लिमिटिंग वैल्यू मिली है हमें अब एरिया का फार्मूला क्या होता है वाई डी एक्स वाई का मतलब है ये जो फंक्शन दिया हुआ है ना ये वाई है हमारे पास अंडर यू टू एक्स माइनस एक्स इस y की जगह पे हम पुट करेंगे और इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे अंडर रूट टू एक्स माइनस एक्स अब इसका कम्प्लीट स्केयर बनाना है ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके हम इसमें ये देखें ए स्केयर हमें चाहिए ए स्केयर माइनस टू एक्स माइन प्लस का एक्स स्यर होगा तो फिर वो ए माइनस एक्स होल का स्केयर बन जाएगा तो यहाँ पे हमने कंप्लीट स्केयर बनाना है तो ए स्केयर चाहिए तो ए स्केयर प्लस भी करेंगे और माइनस भी करेंगे ए स्केयर प्लस का माइनस का ए स्क्यर प्लस टू ए एक्स माइनस एक्स स्क्र यहाँ पे माइनस एक्स माइनस कॉमन लिया है माइनस कॉमन लेने के बाद फिर ये ए स्क्यर माइनस का था प्लस का हो गया और ये प्लस का टू ए एक्स था माइनस का हो गया और ये वाला माइनस का प्लस का हो गया मतलब जो जब हम कॉमन लेंगे तो जो प्लस का होगा वो माइनस का हो जाएगा और माइनस का प्लस का हो जाएगा तो ये वाला एक कंप्लीट स्केयर बन रहा है एक्स माइनस ए का होल स्केयर एक्स माइनस होल का स्केयर अब ये एक फार्मूला बन रहा है ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर जब कॉन्स्टेंट पहले हो और वेरिएबल बाद में तो इसका मतलब है कि ये एक फार्मूला है साइन का इनवर्स वाला फार्मूला है ए ये फार्मूला इक्वल है यहाँ पे इसका मतलब है कि ये कोई कॉन्स्टेंट है और ये वेरिएबल है एक्स माइनस ए फार्मूला ये है स्केयर ओर टू साइन का इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स ओवर टू अंडर रूट ए स्केयर माइनस एक्सकेयर प्लस कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट फार्मूले में तो लगा हुआ है बट यहाँ पे तो लिमिटिंग वैल्यू दी हुई है जहाँ पे हमें लिमिटिंग वैल्यू दी होती है वहाँ पे हम इंटीग्रेशन कैंसिल uh, करने के बाद ये सी नहीं लगाते तो ए स्केयर की जगह पे ए स्केयर इसमें भी ए स्केयर ही यूज हुआ हुआ है ए स्केयर ओवर टू साइन का इनवर्स एक्स की जगह पे एक्स माइनस ए ओवर ए प्लस एक्स माइनस ए ओवर टू ये अंडर रूट ए स्क्यर माइनस एक्स माइनस ए होल का स्केयर ये तो इस तरह हमने सोल्व कर लिया अब अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट है uh, तो हम पहले अपर लिमिट पुट करेंगे और उसके बाद लोअर लिमिट एक्स की जगह पे पहले हम टू ए पुट करेंगे जहाँ भी एक्स होगा वहाँ पे हम टू ए पुट करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमने अपर लिमिट एंड लोअर लिमिट पुट करनी है अपर लिमिट ये सारी अपर लिमिट है और ये लोअर लिमिट है लोअर लिमिट क्या है जीरो तो अब इसमें देख के पुट करते हैं जहाँ पे एक्स होगा यहाँ यहाँ एक्स है ये थ्री टाइम्स एक्स आया है तो ए स्केयर ओवर टू साइन का इनवर्स इस एक्स की जगह पे पहले टू ए पुट किया टू ए माइनस माइनस ए ओवर ए प्लस टू ए इस एक्स की जगह पर टू ए माइनस ए ओवर टू ए स्केयर माइनस इस एक्स की जगह पर टू ए माइनस ए का स्केयर अब लोअर लिमिट पुट की है जहाँ भी एक्स है ये देखिए हमने जीरो पुट कर दिया है वहाँ पे तो इसको अगर सॉल्व करें तो इसमें से एक ओवर ए, ए आएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पे साइन का इनवर्स वन बचेगा यहाँ पे टू ए, ए ओवर टू आएगा तो ए स्केयर यहाँ से एक्स बचेगा ए स्केयर माइनस ए स्केयर मतलब ये वाला सारा ज़ीरो हो जाएगा क्योंकि क्योंकि ये अंडर रूट वाला ज़ीरो हो गया तो यहाँ पे तो वन ओवर टू बचा था तो ये वाला सारा ज़ीरो और यहाँ पे वन बचेगा साइन का इनवर्स वन ये वाला ए स्केयर ओवर टू ए माइनस का ए ओवर ए इसका मतलब है कि यहाँ पे माइनस का वन बचेगा स्केयर ओवर टू साइन का इनवर्स माइनस वन ये माइनस ए ओवर एवर टू ए स्केयर माइनस माइनस प्लस का ये ये देखें इसका जब स्केयर ख़त्म करेंगे तो प्लस का स्केयर हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ये वाला फिर से ज़ीरो हो गया मतलब ये वाला सारा ज़ीरो और ये वाला भी ज़ीरो यहाँ यहाँ पॉजिटिव वन आएगा और यहाँ नेगेटिव वन तो आगे मजीद सोल्व करते हैं इसे ए स्केयर ओवर टू साइन कर्नवर्स वन प्लस ए ओवर टू ये वाला मतलब ज़ीरो हो गया ए ए स्केयर ओवर टू साइन माइनस वन ये वाला भी तो ज़ीरो है अब प्लस का वन आ गया एक ये वाला माइनस शुरू में आके इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का ए स्केयर ओवर टू साइन का इनवर्स वन बचेगा साइन का इनवर्स वन पे पाई बाई टू मतलब साइन पाई बाई टू पे साइन का इनवर्स पाई बाई टू पाई बाई टू का मतलब होता है कि नाइन्टी का एंगल नाइन्टी के एंगल पर वन वैल्यू देता है नाइन्टी पे तो अगर यहाँ पर वन है तो हम पाई बाई टू लिखेंगे साइन का इनवर्स वन पे एंगल uh, अब हमने बताना है कि पाई बाई टू है और साइन इनवर्स वन पे पाई बाई टू ए स्केयर पाई टू टू द फोर ए स्केयर पाई टू टू द फोर ए स्केयर पाई ओवर फोर अब फोर एल सी एम लिया ए स्केयर पाई प्लस ए स्केयर पाई टू ए स्केयर पाई ओवर फोर टू अंद टू 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 द फोर ए स्केयर पाई ओवर टू ये स्केयर यूनिट है क्वेश्चन सोल्व हो गया